दोस्तों जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली ने फिल्म जवान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जवान के दूसरे ट्रेलर को रिलीज किया जा रहा है जिसके लिए डायरेक्टर एटली मुंबई पहुंचे हैं। दोस्तों जवान डायरेक्टर एटली की पहली पैन इंडिया फिल्म है जिसके साथ वो साउथ में शाहरुख खान को लॉन्च कर रहे हैं और बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर एटली के अलावा 5 बड़े विदेशी डायरेक्टर ने जवान में एक्शन को बनाया है। जवान की काफी ज्यादा हाइप देखने को मिल रही है और किंग खान की फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है। दोस्तों जवान का जितना क्रेज इंडिया में है उससे ज्यादा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। दुबई में जवान का पूरा सिनेमा हॉल पब्लिक है। जवान का इतना ज्यादा हाइप बन चुका है ऐसा क्रेज। बॉलीवुड को हमेशा कुछ अच्छी फिल्में देने के साथ शाहरुख खान अब एक्शन फिल्मों में आ चुके हैं। इसी साल पठान से किंग खान ने काफी बड़ा धमाका किया और अब दोबारा जवान से पूरे बॉलीवुड को हिला डाला है। दोस्तों जवान के विजुअल इफेक्ट की बात करें तो कोई भी कमी नजर नहीं आती। जवान के एक्शन तो खतरनाक हैं क्योंकि हॉलीवुड से एक्शन करने वाली टीम को लिया गया है। जवान पूरे 2 साल में बनकर तैयार हुई है, वही फिल्म को साउथ में भी अच्छी ओपनिंग मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जवान ने हिंदी के साथ साथ तमिल में भी झंडे गाड़ दिए हैं। ये पहली बॉलीवुड फिल्म जिसको साउथ में भी काफी सपोर्ट मिल रहा है। थालापती विजय के फैंस जवान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए फैंस शोज भी रखे गए। दोस्तों जवान में पहली बार शाहरुख खान गंजे लुक में नजर आए हैं जो देखने में काफी खतरनाक लगा है। दोस्तों जवान अगर 1000 करोड़ की कमाई कर लेती है तो ऐसा पहली बार होगा कि एक ही एक्टर एक साल में लगातार 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगा। प्रभास ने बाहुबली में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए लेकिन दोबारा कभी उसकी 1000 करोड़ की फिल्म नहीं आई। लेकिन शाहरुख खान अगर जवान से ऐसा कर देंगे तो फिर ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या जवान भी 1000 करने में कामयाब होगी। जवान कितना कलेक्शन करेगा जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।